आदरणीय सभी परिवार के साथीगण, खासकर कांग्रेस परिवार के युवा साथी, कांग्रेस जन, मध्य प्रदेश के कोने कोने में परिवार के लोग जो कांग्रेस के लिए कई सालों से संघर्ष कर रहे हैं, वो राजनीतिक लोग जिन्होंने पिछले 15 साल से इस आस में कि कांग्रेस की सरकार बनेगी, कांग्रेस की विचारधारा मजबूत होगी और कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में लोगों का भला कर सकेगी, बहुत प्रयास के बाद हमारी 2018 में सरकार बनी, जो घटनाक्रम घटा सर्वविदित है। मैं मानता हूं कि ये प्रयास आपका था, कांग्रेस के एक एक कार्यकर्ता का था, एक एक नेता का था, और ये भावना जो पद लेकर काम करना चाहते हैं मेरे जैसे लोग, उनसे ज़्यादा मेहनत उस कार्यकर्ता की थी जिसने जमीन पे काम किया, जिसने बूथ पे काम किया, जिसने मोहल्ले और गली में लड़ाई लड़ी। पर साथियों, हम अगर पास नहीं हो पा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमें ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, हमारे काम के तरीके को बदलने की ज़रूरत है। मैं मानता हूं कि जब तक बूथ का मैनेजमेंट घर गिन के परिवार के लोग मेरे बूथ पर, मेरे परिवार का एक एक साथी जो चुनाव में काम करता है, जो संगठन के लिए काम करता है, जो विचारधारा के लिए काम करता है, वो उस बूथ के मैकेनिज्म को नहीं सुधारेगा, उसमें राजनीतिक लोग, खासकर वो नेता जो पद लेना चाहते हैं किसी भी रूप में मेरे जैसे, वो अपना पूरा समर्पण भाव से काम नहीं करेंगे। तो हम इस बात की भावना, जैसा हम 20 साल से संघर्ष करते हैं ऐसा ही संघर्ष हमारा चलता रहेगा। साथियों, 2023 का चुनाव 24 के प्रारंभ में, 23 के समाप्ति में होना है, लगभग 20 से 21 महीने बचे हैं। मैं मानता हूं इसमें सबकी महत्वपूर्ण भूमिका है, दृढ़ता से संघर्ष करो। हमारा देश सर्वधर्म समभाव का देश है, भगवान राम के प्रेम का, कृष्ण के संघर्ष का, गीता के ज्ञान का देश है। हम सबको जितना संघर्ष बढ़ेगा उतना ज़्यादा आनंद आएगा हमारे विचार को मजबूत करने के लिए। मैं मानता हूँ हम और आप सब तैयार रहेंगे, खासकर जो विधायकगण चुनाव लड़े, खासकर जो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनको मैं अनुरोध करना चाहता हूँ कि अपने आप को मोटिवेट रखो। हम सब मिलकर एक बार फिर से कांग्रेस की 24 में सरकार बनाएंगे, 23 में सरकार बनाएंगे। इस भाव से बूथ के मैनेजमेंट पे काम करना हम सबको चालू करना चाहिए। ये मेरा हाथ जोड़ के, बड़ों के पैर छू के और जितने अनुभवी लोग हैं उनके चरणों में सर रखकर मेरा आग्रह है, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।